सावरकर की कहानी एपिसोड 1। नमस्कार, क्रेडिबल हिस्ट्री के इस खास शो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था, सावरकर की कहानी लेकर आ रहे हैं हम। कहानी मतलब पूरी जिंदगी की कहानी, जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी। कहानी मतलब हर शेड की कहानी। कहानी मतलब ना हीरो बनाने की कोशिश, ना विलन बनाने की कोशिश। कहानी मतलब जो जैसा है वैसा बताने की कोशिश। और इसके लिए वो अदालत में कहते हैं ना, हाजिर नाजिर जानकर जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं इतिहास की किताबों, अपने श्रोताओं और पाठकों को हाजिर नाजिर जानकर ये वादा करता हूं कि जो कहूंगा सावरकर के अपने लिखे और उन पर दूसरे लोगों के रिसर्च के आधार पर कहूंगा। हवा में बनाई कहानियां ना आप सुनेंगे ना मैं कहूंगा। हुजूरे आला किस्सा शुरू तो उनके जन्म से ही होगा, जाएंगे थोड़ा जन्म के उनके पीछे भी। जैसा मैंने बताया था आपको, सावरकर ने अपनी जीवन कथा खुद लिखी है, आत्मकथा खुद लिखी है। उनका लिखा सारा कुछ हिंदी में सावरकर समग्र के नाम से 10 खंडों में उपलब्ध है। मराठी में भी है, अंग्रेजी में भी है, और भी भाषाओं में होगा, लेकिन इन तीन भाषाओं में उनका लिखा उपलब्ध है। इसी के खंड एक में, यानी पहले खंड में, सावरकर की अपनी आत्मकथा है। और देखिए क्या होता है कि बचपन की कहानियां तो कोई और बता नहीं सकता। कोई और तो आपके बारे में तब बात करता है जब आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बचपन की कहानी हमें अक्सर लोगों के अपने लिखे से ही पता चलती है, उनकी जो स्मृतियां होती हैं उससे ही पता चलती है। तो सावरकर अपने बचपन की कहानी जो बताते हैं उसमें बताते हैं, सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था, 28th of May 1883, नासिक जिले में, नासिक तहसील में। उन्होंने तहसील लिखा है, नासिक तहसील उस जमाने में नासिक तहसील रही होगी, उसके भगूर नाम के एक गांव में सावरकर का जन्म हुआ था। मां का नाम था राधाबाई, पिता का नाम था दामोदर पंत, एक बड़े भाई, एक छोटे भाई, एक बहन, और दो भाइयों के बीच में, यानी बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में, विनायक दामोदर सावरकर। इसके साथ साथ सावरकर अपने परिवार के बारे में भी बताते हैं, अपने परिवार की भी कहानी सुनाते हैं। लेकिन उसके पहले वो ये बताते हैं कि ये जन्म तिथि हमें बताई जाती है, उस जमाने में अक्सर जन्म तिथियां बताई जाती थी और जन्म पत्री जो बनती थी उस पर सही जन्म तिथि लिखी होती थी। उनका ये कहना है कि जब प्लेग आया, महामारी फैली, उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें हुई, उनके पिता ने नया घर बनवाया, तो ये भाई बहनों की सारी जो जन्म पत्रियां थी वो खो गई। उनके बड़े भाई जो थे गणेश दामोदर सावरकर, वो भी अंडमान में गिरफ्तार हुए थे, अंडमान गए थे, काला पानी की सजा हुई थी। वो बताते हैं कि गणेश दा को, जो उनके बड़े भाई थे, उनको बड़ा शौक था और विश्वास था फलित ज्योतिष में। तो फलित ज्योतिष के आधार पर जन्म तिथि ये मानते हुए उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर की जन्म कुंडली बनाई, अपनी जन्म कुंडली बनाई, अपने छोटे भाई की कुंडली बनाई, और वही कुंडली अब उपलब्ध है जिसके आधार पर हम मानते हैं कि सावरकर का जन्म 28th of May 1883 को हुआ था। सावरकर ये भी बताते हैं कि उनका जो परिवार था वो हमेशा से भगूर गांव में नहीं रह रहा था। उनका परिवार कोंकण इलाके के चिपलूण तहसील, वहां कोई है, चिपलूण तहसील के एक गांव का वो नाम बताते हैं, गुहार पेटे गांव। तो गुहार पेटे गांव से 7-8 पीढ़ी पहले उनका परिवार उत्तरी हिस्से में, महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से में आया था। उस जमाने में पेशवा राज था और पेशवा ने उनको एक जागीर दी थी, और पेशवा से जागीर मिलने के बाद भगूर में जाकर वो बस गए थे। जो उनके पुरखे भगूर में बसे थे उनका नाम वो बताते हैं, हरभट्ट। तो पूरी कहानी क्या हुई कि ये जो परिवार था ये चिपलूण तहसील के एक गांव में रहता था, गुहार पेटे गांव बताया है, और वहां से फिर पेशवा के समय में 7-8 पीढ़ी पहले ये परिवार उत्तरी महाराष्ट्र की तरफ आया,
वहां पर इनको जागीर मिली और जागीर मिलने के बाद भगूर नाम के एक गांव में ये परिवार बस गया और उसी परिवार की सातवीं आठवीं पीढ़ी में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ। ये जानकारी हमें विनायक दामोदर सावरकर देते हैं और अपने जागीरदार का बेटा होने को लेकर कई बार बड़े रोचक तरीके से वो बताते हैं कि कैसे वो जागीरदार के बेटे की तरह व्यवहार करते थे। हालांकि सावरकर को पढ़ते हुए ये समझ में आता है कि उस समय तक जागीरदारी तो लगभग खत्म हो गई थी। सावरकर के पिता और उनके जो बड़े भाई थे 15-16 साल उनसे बड़े थे, ये दोनों लोग मूलतः साहूकारी का धंधा करते थे। साहूकारी का धंधा आप जानते हैं, कर्ज देना और कर्ज पर ब्याज वसूल करना, ये मूल काम था और बाकी खेती बाड़ी थी। सावरकर बचपन की बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं और जागीरदारी किस तरह से नष्ट हुई थी इसकी एक बड़ी रोचक कथा, हालांकि वो इसको सीधे सीधे नहीं कहते लेकिन वो बड़ी रोचक कथा आप समझ सकते हैं। वो बताते हैं कि कभी पेशवा ने उनको सम्मान में उनके परिवार को पालकी दी थी और फिर वो लिखते हैं कि अब एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जिसको वो बल्ली कहते हैं, वो एक लकड़ी की बल्ली बस बची हुई है, जिसको देखकर ये लगता है कि कभी हमारा ऐसा समय था जब हमको पालकी दी गई थी। यानी जागीरदारी अगर इनको कभी मिली भी थी, अगर मान लें कि सावरकर सही कह रहे हैं जागीरदारी मिली भी थी, तो इनके जन्म का समय आते आते जागीरदारी खत्म हो चुकी थी। हाँ, ये होता ही है कि पुराना जो एक गांव में आपका परिचय होता है या पुराना जो गांव में आपका रुआब होता है वो थोड़ा बहुत बचा रहता है, संभव है कि वो थोड़ा बहुत बचा हो। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सावरकर का जब जन्म हुआ तो उनके पिता और उनके बड़े पिताजी यानी उनके ताऊजी जो हैं वो दोनों लोग साहूकारी का धंधा करते थे। अपने गांव का विवरण, भगूर का विवरण उन्होंने एक लंबी कविता में दिया हुआ है। कविता मैं यहां नहीं पढ़ रहा हूं लेकिन ये जरूर बता दूं कि बचपन से ही विनायक दामोदर सावरकर को कविता लिखने का शौक लगा था। अगर आप उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे, जब अपनी माँ के बारे में उनको बताना होता है विस्तार से तो गोमांतक नाम की एक कविता वो कोट करते हैं, जब अपने गांव के बारे में बताना होता है तो एक लंबी कविता वो कोट करते हैं। तो कविता लिखना उन्होंने बचपन से शुरू कर दिया था। जाहिर तौर पर पढ़ने लिखने में अच्छे रहे होंगे, तेज दिमाग के रहे होंगे, इस बात पर तो किसी को शक हो ही नहीं सकता। तो सावरकर का आत्मकथ्य पढ़ते हुए, उनकी आत्मकथा पढ़ते हुए समझ में आता है कि उनका बचपन लगभग वैसा ही था जो उस दौर में किसी भी खाते पीते परिवार के बच्चे का हो सकता है। एक जगह वो हेडिंग देते हैं, पहली स्मृति। पढ़कर आपको लगेगा कोई शानदार बात होगी लेकिन वो स्मृति पढ़ते पढ़ते आपकी आंख भर जाती है, क्योंकि वो स्मृति है 1892 की। 1892 में महामारी आई, प्लेग आया, पूरे गांव में प्लेग फैल गया, महामारी फैल गई और उसी महामारी में उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। उस समय सावरकर 8-9 साल के थे बस, यानी बहुत कम उम्र में उन्होंने माता जी को अपनी खो दिया। और उसका बड़ा, जब आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है, कोई भी सावरकर हो, गांधी हो, कोई भी हो, माँ से जो प्रेम होता है ना वो एक बिल्कुल अलग प्रेम होता है। और 9 साल की उम्र में माँ को खो देना, आप समझ सकते हैं कि पूरा बचपन ही कैसा फिर हो गया होगा। तो वो जो पूरी स्मृति है उसमें एक कविता भी आती है, बाकी सारी चीजें आती हैं, वो बहुत दर्द भरी स्मृति है जिसमें सावरकर अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि जब मैं सोचता हूँ तो वो बिल्कुल तरुणी सी दिखती हैं, 34-35 साल की उनकी उम्र रही होगी, बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छे परिवार से थी। माँ किसको सुंदर नहीं लगती, माँ किसकी सुंदर नहीं होती। तो वो सारा कुछ उन्होंने माँ के बारे में बताया है। जब माँ की मृत्यु हो गई तो शायद यही रहा होगा कि घर में एक स्त्री तो होनी ही चाहिए जो खाना बना सके, बाकी सारा कुछ कर सके। तो उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर की शादी हुई और उसमें उनकी भाभी आई जिनको वो कहते हैं येसु बहिनी। भाभी के साथ जो उनका संबंध है वो लगभग माँ बेटे जैसा संबंध है, बड़ी बहन छोटे भाई जैसा संबंध है और उनको भी बड़े प्यार से वो याद करते हैं। और उनकी भाभी ने अपना संस्मरण लिखा है, उस संस्मरण को बड़ा वर्बेटिम वो लंबा कोट करते हैं। हालांकि ये पढ़ते हुए थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि दुनिया भर की आत्मकथाएं मैंने पढ़ी हैं, अपनी आत्मकथा में अपनी तारीफ से अक्सर लेखक बचते हैं लेकिन सावरकर बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। चाहे वो येसु बहिनी का प्रसंग हो, चाहे उसके आगे स्कूल कॉलेज का प्रसंग हो, अपनी तारीफ करने से एकदम नहीं बचते हैं बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में बताते हैं। गांव के स्कूल में ही एडमिशन हुआ होगा, होता ही है गांव के स्कूल में एडमिशन, वहां पढ़ाई हुई लेकिन घर चूंकि पढ़ा लिखा था तो घर में उनको बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलती थी। इसमें एक चीज का वो जिक्र करते हैं, केसरी अखबार जो
तिलक निकाला करते थे, वो बताते हैं कि उनके घर में आता था और वो उसको पढ़ते थे। इसके अलावा विष्णु चिपलूणकर शास्त्री की जो निबंध माला थी उसको बताते हैं कि वो घर में उपलब्ध थी, वो भी पढ़ा था। साथ में ये भी बताते हैं कि घर में अंग्रेजी में एक किताब थी, या शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, तो अंग्रेजी तो तब आती नहीं थी उनको, तो कहते हैं कि मैं अपने पिताजी से कहा करता था कि इसको जरा पढ़ के सुनाइए, तो वो पढ़ के सुनाते थे। और बताते हैं कि वो केवल एक खंड था और उसके कई पन्ने फटे हुए थे, तो मैं बहुत ज्यादा उनके अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि विश्व का इतिहास कैसे पढ़ा जाए, यानी बताना वो ये चाह रहे हैं कि विश्व के इतिहास में उनकी रुचि बचपन में ही जग गई थी। तो ये सारा कुछ पढ़ने वढ़ने की बात थी। इस सब पढ़ने वढ़ने के बीच में अचानक से एक घटना आती है जो आपके कान और रोंगटे दोनों खड़े कर देती है। वर्ष है 1894-95 का, 1894-95। जन्म हुआ था 1883 में, यानी उम्र कितनी हुई, कुल मिलाकर 11 या 12 साल। इस उम्र में वो बताते हैं कि देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे और नासिक तहसील के भगूर गांव में उनको खबर मिली, कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई कि देश भर में दंगे चल रहे हैं। और सावरकर बताते हैं कि दंगों का बदला लेने का हमने प्लान किया और गांव की मस्जिद पर जाकर हमला किया कुछ बच्चों को लेकर, जिस दल का नेतृत्व जाहिर तौर पे सावरकर खुद कर रहे थे। ये घटना चौंकाती है। अगर ये घटना सच है, इसका मतलब सांप्रदायिक नफरत उन्होंने बचपन में ही अपने मन में भर ली थी। और अगर ये घटना झूठ है, और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये घटना झूठ हो सकती है उस पर मैं बात करूंगा, इसका मतलब ये कि सावरकर जो उनकी जीवनी के पाठक हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि बचपन से ही वो मुसलमानों के खिलाफ थे। असल में जब आप ये जीवनी पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके पहले 150 पेज में तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में उन्होंने बताया है, और उसमें बताते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद पूरे देश में पस्ती छाई हुई थी। जो हिंदू उसके बाद अंग्रेजों के साथ काम करने लगे थे उनके बारे में कहते हैं कि जो लोग 1857 में अंग्रेजों से सबसे ज्यादा लड़े, उनका दमन सबसे ज्यादा हुआ, इसलिए उन्हें लगा कि शायद अंग्रेजों के साथ ही करके हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। लेकिन यही तर्क मुसलमानों के बारे में देने से वो बचते हैं, जबकि इतिहास गवाह है। यहां तक कि सावरकर की अपनी जो किताब है 1857 का स्वातंत्र संग्राम, वो खुद गवाह है। उस किताब में खुद उन्होंने विवरण दिए हुए हैं कि 1857 में सबसे ज्यादा कोई अंग्रेजों से लड़ा था तो वो मुसलमान थे, और 1857 के बाद सबसे ज्यादा दमन किसी का हुआ तो वो भी मुसलमानों का दमन हुआ। मैं एक उदाहरण आपको दे दूं, मैं गोरखपुर से आता हूं और मैं किताब पढ़ रहा था शांतिमोय रे की, जब मैं उनको अनुवाद कर रहा था उसमें मैंने एक घटना पढ़ी कि गोरखपुर की जो सदर कोतवाली है वहां एक मुस्लिम जमींदार की हवेली हुआ करती थी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, और उसकी हवेली को जमींदोज करके तोड़ के वहां पर सदर कोतवाली बनवाई गई। मुगल खानदान खत्म कर दिया गया, बहादुर शाह जफर के बच्चों के सिर काट के, राजकुमारों के सिर काट के चौराहों पर लटका दिए गए। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां वतन की याद करते करते वो मर गए। वाजिद अली शाह को लखनऊ से ले जाकर कलकत्ते में पटक दिया गया। ऐसी कितनी घटनाएं बताए जा सकते हैं। तो वो तर्क कि जिन्होंने सबसे ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, सबसे ज्यादा दमन उनका शुरू हुआ, मुसलमानों के लिए क्यों नहीं लागू होगा? जब सर सैयद अहमद खान की बात होती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात होती है और लोग कहते हैं कि वो अंग्रेज परस्त थे, तो इसमें एक लॉजिक ये भी दिया जाता है कि 1857 के बाद जिस तरह से मुसलमानों को अंग्रेजों ने दमित करना शुरू किया था, उसमें उनको लगा कि अगर ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम नहीं करेंगे, तो शायद मुसलमानों के लिए भविष्य बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये सावरकर का ही तर्क है हिंदुओं के लिए, उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मुसलमानों के लिए वो तर्क इस्तेमाल करने से वो बच जाते हैं। और वो पूरी जो वो भूमिका लिखते हैं, अगर आपने उनकी 1857 वाली किताब पढ़ी है तो आपको लगेगा कि जो आदमी 1857 वाली किताब लिखा था वो आदमी इतनी सांप्रदायिक विवेचना कैसे कर सकता है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मुझे आपको ये बताना है कि ये जीवनी बाद के सावरकर ने लिखी है,
हिंदुत्व लिखने वाले सावरकर ने लिखी है, माफी मांग के रिहा होने वाले सावरकर ने लिखी है। इसलिए इस जीवनी को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। हालांकि सच या झूठ ये घटना लिखी तो है, अगर सच है तो उसका मतलब है वाकई बचपन से वो सांप्रदायिक थे। तब इस बात पर आश्चर्य होता है कि 1857 की स्वातंत्र संग्राम जो उन्होंने लिखा है उसमें वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कैसे कर रहे थे, और अगर वो झूठ है तो उसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद एक और मजेदार घटना है। वो बताते हैं कि एक दिन घर में आरण्यक बड़ी हुई थी और वो आरण्यक पढ़ने लगे। उनके पिताजी आए, गुस्से में उनके हाथ से छीना और उन्होंने कहा कि घर में आरण्यक पढ़ने से घर जंगल जैसा हो जाता है। सावरकर कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, किताब पढ़ने से घर जंगल कैसे हो जाएगा। और बताते हैं कि मेरे मन में अश्रद्धा जो थी यानी अंधा विश्वास जो था उस दिन से खत्म होने लगा। एक और घटना थोड़ा आगे जाके बताते हैं। उसमें बताते हैं कि उनके पिता को दो लोगों से पैसे लेने थे। पिता बहुत परेशान थे, घर में पैसे थे नहीं, वो लोग पैसे नहीं देना चाह रहे थे। सावरकर कहते हैं मैं देवी की आराधना करने लगा, पूजा करने लगा कि अगर मेरे पिताजी के पैसे मिल गए तो मैं ये करूंगा, जैसा बच्चे करते हैं मनौती मांगते हैं। उन्होंने कहा मैंने लगातार प्रार्थना की लेकिन वो जो दो लोग पिताजी का पैसा लेकर आने वाले थे वो नहीं आए। जब पिताजी उनसे मांगने गए खुद गए तो भी उनको पैसा नहीं मिला, और कहते हैं कि यहां से ईश्वर के ऊपर मेरा विश्वास डगमगा गया। और आगे की कहानी में आप देखेंगे कि सावरकर हिंदूवादी चाहे जितने हों लेकिन ईश्वर को लेकर उनका कोई खास मामला नहीं है, वो कहीं से भी आध्यात्मिक नजर नहीं आते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट उनके बचपन में हुआ। उसके बाद 13 साल की उम्र में उनको नासिक भेजा गया आगे की पढ़ाई के लिए। वहां पर शिवाजी स्कूल बना हुआ था जो उस समय के राष्ट्रवादियों ने बनाया था। वहां पर जैसा होता है कि अपने गांव से आप बाहर निकल के शहर में आते हैं तो आपकी प्रतिभा निखरने लगती है, वहां वो बताते हैं कि नासिक वैभव नाम का एक अखबार निकलता था, उस अखबार में उनके लेख छपने लगे और वहां वो काफी पॉपुलर हो। वहां पर उनकी मुलाकात बहुत सारे ऐसे लोगों से भी हुई जो लोग देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे। वो बताते हैं कि वहां जो उनके प्रिंसिपल थे, जो नासिक वैभव के एक संपादक थे, ये सारे लोग उनको काफी पसंद करने लगे, सभाओं में वो भाषण देने लगे। ये सारी चीजें वो बताते हैं। उस समय उनकी 15-16 साल की उम्र थी और इस उम्र में एक तरह का उत्साह होता ही है। इसी बीच में एक बड़ी घटना हुई। जून 1897 यानी जून 1897 में चाफेकर बंधुओं ने रैंड नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी। वो उसकी और उसके एक साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। हुआ यह था कि देश में प्लेग फैला हुआ था और पूरे देश में इस अव्यवस्था को रोकने की जगह अंग्रेजों ने दमन की नीति अपनाई थी। जिस गांव में प्लेग हो उसके सारे घर जला देना, लोगों को मार देना, और लोग बहुत नाराज थे। अव्यवस्था जो फैली थी उससे बहुत नाराज थे। उस नाराजगी को स्वर देते हुए चाफेकर बंधु ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि रैंड और उसके एक साथी की हत्या कर दी। जब यह हत्या हुई तो पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया। केसरी तक में उनको पागल कहा गया, जो हत्या करने वाले थे उनको पागल कहा गया। सावरकर बताते हैं कि ये सब पढ़कर वो बहुत दुखी होते थे। फिर उनको किसी ने बताया कि तिलक महाराज अपने अखबार में चाहे जो भी कह रहा हूं, लेकिन रैंड की हत्या करने के लिए चाफेकर को निर्देशित उन्होंने ही किया था। क्या सच है क्या झूठ है पता नहीं, उनसे जिन्होंने बताया उनका क्या सोर्स था पता नहीं, लेकिन जो बाहर की हकीकत है वो ये है कि पूरे महाराष्ट्र में एक तरफ चाफेकर बंधुओं का स्वागत किया गया, उनको क्रांतिकारी कहा गया, और दूसरी तरफ जो वहां के लिबरल लोग थे केसरी जैसे अखबारों में भी उनकी बेहद आलोचना हुई। फाइनली 1898 में, अगले साल 1898 में चाफेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। सावरकर बताते हैं कि इस फांसी का और इस घटना का उनके ऊपर गहरा असर पड़ा। वैसे ही पुणे में आकर वो राष्ट्रवादियों से मिल चुके थे, केसरी बचपन से पढ़ ही रहे, लगातार कविताएं लिख रहे थे, लेख लिख रहे थे, और इस हत्या का उनके ऊपर गहरा असर पड़ा। वो उन लोगों में से थे जो चाफेकर को सही मानते थे। युवा थे, बच्चे थे, किशोर थे बेसिकली, और उस उम्र में तो ऐसी चीज अच्छी लगेगी ही। तो वो बताते हैं कि उन्होंने एक कविता भी लिखी, लेकिन कविता लिखने से बड़ी बात यह है कि सावरकर का कहना यह है कि इस घटना के बाद ही उन्हें एक संगठन बनाने की सूझी, उनके मन में आया कि अंग्रेजों की मुखालिफत के लिए एक संगठन निर्माण की आवश्यकता है। और वो कहते हैं कि अभिनव भारत संस्था, जिसके बारे में अगले एपिसोड में बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं, उनका कहना है कि अभिनव भारत संस्था की जो नींव थी वो नींव 1898 में चाफेकर बंधुओं की फांसी के बाद पड़ी।
तो ये उनका बचपन और आरंभिक जीवन। आप समझ सकते हैं कि इसमें सावरकर सावरकर कैसे बने, उसके आरंभिक बीज साफ साफ दिखते हैं। कविता में उनकी रुचि, लेख लिखना, भाषण देना और इस तरह की क्रांतिकारी घटनाओं से उत्साहित होना, ये सारा कुछ बताता है, इशारा करता है कि वो आगे जाकर कुछ बड़ा करने वाले थे। क्या बड़ा किया, कितना बड़ा किया, आगे बढ़े या पीछे हटे, क्या प्रोसेस था, ये सारा कुछ अगले किस्तों में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में किताब का लिंक है, बाकी सारी चीजें हैं, देखिए, समझिए, सुनिए, शांति से सुनिए। 7 एपिसोड आएंगे, 7 एपिसोड में कहानी पूरी होगी। पहले एपिसोड से कोई नतीजा मत निकालिए, पहले एपिसोड से आप कोई जजमेंट मत दीजिए। जुड़े रहिए, वीडियो देखिए हमारे, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूर तक फैलाइए। आप साथ रहेंगे तो हम सच की कथा लगातार कह पाएंगे। बहुत शुक्रिया।